ये तीन स्कीम है, 200 यूनिट फ्री हर घर को इलेक्ट्रिसिटी, हर घर की बड़ी औरत को 2000 रुपये महाना आपके अकाउंट में आएगा, और 10 केजी चावल हर घर के फर्द को फ्री। आपका नहीं है बीपीएल कार्ड है ना? हाँ, तो ये तो सब स्कीम आपको मिलते हैं कांग्रेस पावर में आने के बाद, तो कांग्रेस को जीता के लाना हाथ को कार्ड भी देते हैं। स्कीम है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस सरकार आई ना, 200 यूनिट फ्री देंगे आपको हर घर को, या बिजली के 2000 रुपये हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में फ्री आएंगे हर महीना, 10 किलो चावल फ्री। अब और एक नई स्कीम आई, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर ले के घर में बैठे हुए नौकरियां नहीं है, उनको महीना 3000 रुपये देंगे। जो डिप्लोमा करे हुए हैं वो डिप्लोमा वालों को 1500, जब तक उन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिले तक उन लोगों को देंगे। ये तीन वो है कांग्रेस पार्टी के स्कीम्स है, उसमें 200 यूनिट हर घर को फ्री देंगे, करंट का जो बिल आता आपका 200 यूनिट फ्री, 2000 रुपये घर की हर बड़ी औरत के अकाउंट में आएंगे हर महीना, 10 किलो चावल फ्री। कितने लोग कितने हैं यहाँ पे? दो जने। कांग्रेस पार्टी के तीन स्कीम है, उर्दू तो पढ़ने आता ना आप लोगों को, 200 यूनिट कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद हर घर को फ्री देंगी 200 यूनिट बिजली, 2000 रुपये हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में आएंगे हर महीना, 10 किलो चावल हर घर हर फर्द को 10 किलो चावल महीना। आपके कितने हैं कार्ड है यहाँ पे? राशन कार्ड हमारे भवान के तो अलग ही, देखो मेरा एक जने का एक है, मेरा भवान का है। हम भी आप क्या है? हम भी यही सोचते हैं आगे। अच्छा, अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएंगी तो आप हर घर को 200 यूनिट फ्री देंगे करंट के, और 2000 रुपये हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में आएंगे, 10-10 किलो चावल फ्री हर एक जितने भी लोग। आपका नहीं बीपीएल है? बीपीएल नहीं है। अच्छा, आपका राशन कार्ड तो है ना? ये लियो ना, आके भर के देते आप। ये स्कीम लेके आई कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद, 200 यूनिट हर घर को फ्री देंगे बिजली के, 2000 रुपये घर की हर बड़ी औरत के अकाउंट में आएंगे हर महीना, ये कांग्रेस पार्टी का वादा है ये, और 10-10 किलो चावल सबको फ्री, जितने भी घर में मेंबर्स हैं उनको सबको फ्री। राशन कार्ड में जितने भी नाम है 10 किलो चावल आके दे, हमीद भाई आके भर लेते। ये रखो आप कार्ड, ये कार्ड रखो, ये कार्ड है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 200 यूनिट बिजली देंगे हर घर को फ्री देंगे, हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में 2000 रुपये हर महीना आएंगे, 10 किलो चावल हर घर के फर्द को फ्री। कांग्रेस पार्टी आने के बाद तो सब मिल के आप लोग मुतहद हुए तो ये हो सकता है। तो इसको क्या तो भरना करना है, तो भर लेते हैं भर कर देते हैं ऐसा भर कर देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के है तीन स्कीम आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, एक घर को 200 यूनिट फ्री देंगे आपके कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद, 2000 रुपये हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में आएंगे हर महीना, 10 किलो चावल हर घर के फर्द के लिए फ्री। इसको डालते वोट आप, ये रखो हमीद आके हमीद पे आके भर लो। हर घर की बड़ी औरत को कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद 2000 रुपये हर महीना हर आपके अकाउंट में आएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर महीना, 10 किलो चावल सब पूरे जितने मेंबर्स हैं उनको सबको फ्री देंगे। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हाँ। उनके लिए 3000 रुपये अलग से निकालें। अब जो ग्रेजुएट करें ना बच्चियाँ, घर में है जॉब नहीं मिली उनको 3000 रुपये देंगे, जो डिप्लोमा करे उनको 1500 रुपये, जब तक नौकरी नहीं मिलती वजीफे के जैसा देंगे पॉकेट मनी। ये दूँ तो मैं आकर भर कर देते हैं। और कितने हैं यहाँ पे राशन कार्ड? यहाँ पे 8-9 राशन कार्ड है। मैं आकर दे दूँ? आते हैं ना, आके आप खाली ये सैंपल ले अम्मा के पास है, भरना तो मेरे को चाहिए। 8 दिन अब जब से थोड़ा पानी का वो ज्यादा है, पानी अब तो है पानी, तो 3 दिन में 4 दिन में आप लोग छोड़ रहे, ये लोगों की शिकायत है 8 दिन में 10 दिन में आ रहा है बोल के, पानी नहीं आ रहा। दान तो खैर 8-10 दिन तो नहीं है, 3 से 4 दिन में आते आता है, अभी उसको थोड़ा मैं स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता हूँ।
हमारा जो वॉलमैन है उसका और ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करके और ज्यादा अच्छा उनको फैसिलिटी देना, जरा फैसिलिटी का पानी का जरा मतलब वही है यार, रोड वगैरह में थोड़ी देर इस रखते खाली नल मारने से बंदिश हो जाता, थोड़ी देर में पानी इसमें मिल रहा है सहारा। सादिक भाई तुम उसको मॉनिटर कर, तुम बोल रहे हो उन जब भी फोन करे, अभी मैडम फोन करे जब उन बोल रहा वो सादिक भाई का लुकआउट है मेरा कुछ भी नहीं है बोल रहा, तो ये चीजें नहीं होना मैडम स्ट्रिक्टली बोले हैं, तो फर्दर वो तुम्हारी मीटिंग बुलाना पड़ेगा मैडम को, एलएनटी के जो भी इंचार्ज हैं उनको मिला को ये चीजें जो महल्ले में सात सात दिन जा रहा पानी, पूरे लोग आए हैं हमारे पास, ये दूसरी बार शिकायत नहीं आना बोलकर, नहीं नहीं आएगा इंशाल्लाह, मैं मॉनिटर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है, जिस तरह दूसरे एरिया में हम लोगों ने देखा था कि हर मेंबर खुश है, वो लोग ये भी नहीं कर रहे कि आप कार्ड दिए तो ये पूरे स्कीम दिए तो हम वोट डालेंगे कांग्रेस पार्टी को, बोल के उन लोग का ऐसा भी नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तोहफा है ये लोगों के लिए, वो लोग वैसे भी डालने के लिए राजी है कांग्रेस पार्टी को। माशाल्लाह से यहाँ पर अच्छे काम हुए हैं, रोड्स का काम हुआ है, एक आध बोरवेल डालना है वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे जल्दी क्योंकि गर्मा शुरू हो गया है, तो बाकी सब तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड्स तो काफ़ी अच्छे हुए हैं यहाँ पर। कितने करोड़ का जो है यहाँ पर काम हुआ है? 8.5 करोड़ जी, 8.5 करोड़ 8.5 करोड़ का काम यहाँ पर रोडों का हुआ है। वार्ड नंबर 3 के आवाम से क्या कहना? मैं इन लोगों से यही अपील करती हूँ कि आप लोग मुत्तहिद रहिए, जिस तरह आप लोगों ने खमरुल इस्लाम साहब का साथ दिया था उसी तरह मेरा भी साथ दीजिए, आप लास्ट 2018 में भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था और मैं आप लोगों से जो वादा की थी वो पूरा की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी बचे हुए काम हैं आप लोगों के, क्योंकि गुलबर्गा आगे बढ़ते जा रहा है, एक्सटेंशन होते जा रहा है, तो जो भी एक्सटेंशन एरिया है वहाँ पर भी हम लोग आंदा आने वाले दिनों में काम करेंगे। एक चीज़ कल से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, एक वार्ड में आपका विजिट हुआ था, वहाँ के लोगों ने काफ़ी जो है नारे लगाए हैं और काफ़ी जो है ना आपके प्रोटेस्ट की तरह जो है ना वो लोगों ने किया है, तो इसका आप क्या है मैडम, किस तरीके की आप ये कल का कल जो सुबह में हुआ है वो पूरे बीजेपी के लोग हैं, भुखलाए हुए हैं लोग, लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है कि हम लोग वहाँ इतने ही पब्लिक जमा हो गई थी जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ पर थोड़े लोग पहले जमा थे, उसके बाद हम लोग जाने के बाद काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हो गए थे, वो बर्दाश्त नहीं हुआ वहाँ के कॉर्पोरेटर को और जो भी उनके बीजेपी के लोग हैं, हमारे लोगों ने भी जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया पलटा करके, खमरुल इस्लाम जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो ऐसा तो चलता ही रहता। कार्ड को लेकर बार बार एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि भाई ये कार्ड का क्या एश्योरेंस है, क्योंकि हर पार्टी इलेक्शन के समय ये बात का दावा करती है कि हम ये करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को कार्ड की गारंटी किस हद तक, लोगों को इस पे भरोसा होना चाहिए कि भाई ये कार्ड वाकई जेन्युइन है? ये कार्ड पे सिद्धरामैया साहब की साइन है, डीके सर की साइन है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी वादे करती है तो बराबर पूरे करती है, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा कई वादे जो किए थे पूरे हो रहे थे, जब से बीजेपी पार्टी कांग्रेस बीजेपी पार्टी पावर में आई है ये पूरे स्कीम्स बंद हुए हैं, इंशाल्लाह ताला जब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी तमाम स्कीम्स पूरे होंगे, ये 3 स्कीम्स के अलावा और एक स्कीम लॉन्च हुई है जो बच्चे ग्रेजुएट है तो वो लोगों को एक पॉकेट मनी के तरह हर महीना जिसको जॉब नहीं है 3,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो डिप्लोमा होल्डर है उन लोगों को 1,500 रुपये हर महीना जॉब मिलने तक उन लोगों को। बीजेपी का बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी को पता चल चुका है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पावर में आएंगी, तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये लोग यहाँ वहाँ पर आके गड़बड़ करने की कोशिश किए, हमारे लोगों ने भी पलटा कर जवाब दिया उन लोगों को, ऐसा कोई वो नहीं कि हम लोग वैसे भी करके निकल रहे थे वहाँ से, तो जब उतने में वो लोग आए आके फिर काफ़ी गड़बड़ किए वो लोग, फिर ये लोग भी जवाब दिए वैसा कुछ। मैडम के बच्चों के स्कूल के स्कॉलरशिप रुके हुए इस बारे में भी लोगों के काफ़ी सवाल हो रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी की तरफ से जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियाँ हैं लड़के, इनके स्कॉलरशिप रुके हुए हैं, तमाम ये बीजेपी की तरफ से ही हो रहा है, बीजेपी जब से पावर में आई है सब चीज़ें बंद कर दी है, आप हिजाब के मामले में देख लीजिए, आप बच्चियाँ बेचारे 2 साल से बैठे हुए हैं हिजाब के मसले में जाके एग्ज़ाम नहीं दे सक रहे, ये लोग एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, अब अगर ये चाहते तो बाहर सेटलमेंट कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाता था और बच्चियाँ आराम से अपना हिजाब पहन के जाके एग्ज़ाम दे सकती थी, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि बच्चियाँ हमारे पढ़े, तो हम लोगों को भी आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जब आएगी तमाम हिजाब के इशू सब इशू पूरे ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा मैडम का शुक्रिया अदा तहे दिल से अदा करता हूँ, क्योंकि
जिस वक्त कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, हमारी गवर्नमेंट नहीं रहने के बावजूद भी आपने आवाम के साथ वादा किया था कि जो आज रोडों पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मेरी माँ बहनें हैं, जवान बच्चा हैं, उन्हें देख सकते हैं, यहाँ पर बारिश आया तो घर से बाहर निकलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। सही, कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ पे ना ऑटो आ सकता था, अगर कोई मान के चलिए फॉर एग्जांपल कोई मेरी बहन है, एक प्रेग्नेंट है, घर में से बाहर नहीं निकाल सकते थे, ना एम्बुलेंस आ सकती थी, ना ऑटो से बाहर निकल जा सकते थे, ऐसी हालत थी। ये हालत देखने के बाद हमारे नॉर्थ के MLA पदयात्रा करने के बाद, ये तमाम महल्ले का जायज़ा लेने के बाद वादा करे थे तमाम लोगों से, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं पक्की रोड बना कर दूंगी। तो आज आप लोगों के सामने हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, ये कोई पेड लोग नहीं हैं, ये महल्ले के हैं और ये नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और जिम्मेदार लोग हैं, मस्जिद के जिम्मेदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। तमाम लोग को ये पूछिए कि हालत क्या थी। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप घर घर के सामने रोड है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जैसा कि फातिमा कनीज मैडम अभी बता रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट आई तो ये स्कीम्स हैं जो घर के सदर को 2000 रुपये मिलेंगे, 200 यूनिट बिजली मिलेगी, 10 किलो चावल मिलेगा, मजीद इसके साथ जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जो घर में बैठे हैं, उनके लिए पॉकेट मनी के तौर पर 1500 से लेकर 3000 रुपये दिया जाएगा। और इससे पहले आली जनाब अलहाज खमरुल इस्लाम साहब बहुत से स्कीमें लाए थे, तमाम स्कीमें अभी जो BJP गवर्नमेंट आकर वो बंद कर दी, भाग्य स्कीम है, लेकिन जो मौजनों का जो तनख्वाह देने का जो हदिया था वो आज भी चालू है। ये मोहतरम आली जनाब अलहाज खमरुल इस्लाम साहब की मेहनत थी, अपनी आवाम को लेकर फिक्रमंद थे, हर वक्त बोलते थे मेरी आवाम मासूम है, भोली है। हम लोगों तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग मुत्तहिद होकर ये फिरकाराना जो चीज़ें हो रहे हैं आपके सामने हैं, आए दिन हर चीज़ पे पाबंदी, खाली माइनॉरिटी के लिए पाबंदी है, यानी एक बच्ची अपने जिस्म को हिजाब में जाती है तो तकलीफ़ होती है और लंगापन इनको जेबा देता है, लेकिन हमारे खाने पर, पीने पर, पढ़ने पर, हमारे बच्चे स्कूल जाने पर भी पाबंदी है। ये किसको लेकर है? ये गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट जो है, ये मुसलमान खालिस और खालिस मुसलमान बोलने के लिए मजबूर हो रहा हूँ मैं, माइनॉरिटी में मुसलमान ज़्यादा कंसिडर है इसमें। सर, कल का जो वाकया हुआ है MLA कनीज फातिमा साहिबा के विजिट पर, तो इस पर आपका किस तरीके का रिएक्शन? ये फ्रस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं ये स्कीमों को, ये जो मैडम के पीछे ये जो लोग जुड़ रहे हैं, नौजवान पीढ़ी है, बुजुर्ग हैं, जवान बच्चे हैं, सब ये लोग जो जिस तरह जुड़ रहे हैं, ये देख कर एक फ्रस्ट्रेशन है। ये बौरानगी में बिसांदी बिल्ली खंबा नोच रही, नो प्रॉब्लम। उसमें ये भी कहे जा रहे थे कि झूठा कार्ड है, ये झूठा कार्ड लेकर आए हैं। देखिए साहब, हम तो मोदी जी हैं ना, जो 15 लाख लाएंगे आपके जेब में देंगे, ये तो हमारे साथ हो नहीं सकता। ये छोटे मोटे स्कीम है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे कर्नाटक स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है ना इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं, और एक MLA आकर जो है ना आपके सामने देकर बता रहा है कि ये 2000 रुपये जो हम कर सकते हैं, हम 15 लाख नहीं दे सकते इसलिए हम नहीं बोल रहे, हम 2 करोड़ नौकरियां दे नहीं सकते इसलिए हम नहीं बोल रहे, लेकिन हम ये बोल रहे 2000 देंगे, 200 यूनिट बिजली हम जो है ना माफ करेंगे, और 10 किलो चावल बिल्कुल देंगे। सिद्धरामैया साहब पिछले बार भी ये स्कीम में दे चुके हैं और उसको कंटिन्यूशन करेंगे, मजीद एडिशन ये हुआ है। अब ये चीज़ सुनकर फिर भी फ्रस्ट्रेशन में आते हैं वो लोग, देखो बोलने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, लेकिन अब ये बोलेंगे जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको 1500 से लेकर 3000 दे रहे हैं, अब इसके ऊपर भी तलखीद करेंगे। तलखीद करने अगर निकले हैं तो पहले अपने गिरेबा में झांके तो ठीक है, वो 15 लाख रुपये में से कुछ तो दिए तो क्या तो होता, एक 5000 रुपये तो बांटो। बोलो कॉर्पोरेशन की बॉडी अभी करीब बनने वाली है, तो आपका क्या मैनिफेस्टो है आपके एरिया को लेकर, क्या डेवलपमेंट आप चाहते हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जब मैं काम स्टार्ट हुआ था, जब हम कॉर्पोरेशन में पहले यहाँ पर कदम रखे थे, ये एरिया हमारे डिलिमिटेशन में नहीं था, पहले कपनूर में थोड़ा टुकड़ा था, लेकिन जब हमारे कॉर्पोरेशन में आने के बाद, हमारे मैडम को MLA मैडम को लगाकर बताने के बाद, यहाँ बताने के बाद, यह हालत देखने के बाद, मैडम से वादा, मैडम वादा करें हमारे मैनिफेस्टो पर्टिकुलरली इन कॉर्पोरेशन, हम जो बोले थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात कर रहे थे, आज आपके सामने है रोडों का आप एक जाल बिछे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने गलियां हैं आप फिर कर दे सकते हैं, बहुत बड़ा वार्ड है मेरा, ज्योग्राफिकली मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, एरिया वाइज मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह 90%
90% के रोडे हो चुके हैं, आप आवाम से पूछ सकते हैं 90% के रोडे हो चुके हैं। सर अभी भी यहाँ के आवाम का कहना है कि पानी के काफी मसले आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। पिछले बार जब पानी का प्रॉब्लम हुआ था, ये वो MLA है जो फर्स्ट कमिश्नर को बुलाकर कॉन्टेमिनेटेड वाटर के बारे में बात निकाले थे, तमाम वाटर ओवर हेड टैंक जो भी हैं जितों को पूरों को धुलाकर जितने पाटोल्स पड़े हैं जो कॉन्टेमिनेट हो रहा पानी हो रहा है, तमाम चीज़ों को सार्ट आउट करने वाले MLA वाहिद MLA नॉर्थ के MLA फातिमा कनीस मैडम है, और LNT वालों को बुलाकर भी मीटिंग ले 24/7 जो पानी आने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। मजीद उसको छोड़कर बोरिंगों का है, बोरिंगों का भी हो रहा है इंशाल्लाह, पिछले बार 3 बोरिंग मारे हम, इंशाल्लाह अब 2 और बोरिंग देने वादा हुआ है मैडम का, तो इंशाल्लाह 2 बोरिंग में डे बाय डे हमारा एरिया प्रोग्रेस में है। और हमारी उम्मीद ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएंगी तो तमाम चीज़ें परेशानी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह।